अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते शनिवार को पेंसिल्वेनिया एक चुनावी रैली के संबोधन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर 7 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा कवच बना लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट बंद हुई तो ट्रंप ने अपना मुंह घुमाया, जिसमें उनके चेहरे पर लगे खून को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस घटना के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया और कहा कि उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली मारी गई। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक एजेंट पोडियम पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार को घेर लिया और उन्हें मंच से नीचे उतारा। वहीं ट्रंप ने हमले के विरोध में भीड़ की ओर मुट्ठी उठाई। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। वहीं नवंबर में होने वाले चुनाव में भी इस हमले का असर पड़ना तय है। ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाले चुनावी समर से पहले इस प्रकार की घटना और राजनीतिक षड्यंत्र बहुत ही निंदनीय है। इस घटना पर सीक्रेट सर्विस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। उनकी कैंपेन टीम ने कहा कि वो ठीक हैं और एक चिकित्सा सुविधा में उनकी जाँच की जा रही है। प्रवक्ता स्टीवन चिंग ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जघन्य कृत्य के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन और पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं को धन्यवाद दिया। वो ठीक हैं और एक स्थानीय चिकित्सा सुविधा में उनकी जांच की जा रही है। घटना को लेकर ज़्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी। अमेरिका मीडिया के मुताबिक संदिग्ध शूटर की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही इस आरोपी पर कार्रवाई करते समय एक आम नागरिक की भी मौत हो चुकी। अमेरिका की एक नामी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है कि बटलर काउंटी के ज़िला अटर्नी रिचर्ड गोल्डिंगर ने कहा कि 2 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक शूटर भी शामिल है। वहीं अगले सप्ताह मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से पहले ट्रंप द्वारा अपनी अंतिम चुनौती अभियान रैली में मंच संभालने के तुरंत बाद गोलाबारी की घटना हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्राइम टाइम संबोधन में कहा कि ये समय शांत रहने का है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने चुनावी वर्ष में हिंसा के जोखिम की चेतावनी दी है। हम मतदान का सहारा लेते हैं, गोलियों का नहीं। अमेरिका को बदलने की शक्ति हमेशा आम लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ना कि संभावित हथियारों के हाथों में। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, प्रतिस्पर्धा के बावजूद सभी जानते हैं कि आगे का रास्ता हमेशा शांतिपूर्ण तरीके का ही है, ना कि हिंसक कृत्यों के माध्यम से भय व्याप्त करना। उन्होंने अमेरिका को पृथ्वी का सबसे महान देश करार दिया और कहा कि उन्हें यहाँ रहने का मौका मिला, इस बात के लिए वो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। दूसरी ओर बाइडेन ने कहा कि वो भी इस सप्ताह फिर से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। डेमोक्रेट्स ट्रंप की रैली पर हमले के बाद मंगलवार को फिर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो डेमोक्रेट प्रत्याशी के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड और भावी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि वो लोकतंत्र के लिए दृढ़ता से बोलना जारी रखेंगे। देश में संविधान और कानून के शासन के लिए खड़े होने की अपील करते हुए बाइडेन ने मतदाताओं से कहा कि लोकतंत्र में गोली से नहीं, वोट से बदलाव लाए जाते हैं। देश की सड़कों पर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। बाइडेन ने अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हुए क्रूर हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनावी अधिकारियों को धमकी, मौजूदा गवर्नर के अपहरण की साजिश और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। इनमें कोई अपवाद नहीं हो सकते।